हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, जॉब से रिलेटेड वीडियो रहता है मेरा और पर्पस भी रहता है यही वीडियो प्रोवाइड करूँ। जहाँ तक कि आप लोग को इंतज़ार था कोलकाता कोलकाता कोलकाता, तो कोलकाता का वैकेंसी मैं आपको बताता चलूँ, कोलकाता में भी जॉब मिलेगा आपको, ये मेरा गारंटी है। लेकिन कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करना होगा, पे फॉर द जॉब है, इसमें पे फॉर द जॉब है। लेकिन इतना भी पे नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको जॉब मिलेगा। सीरियसली बोल रहा हूँ और 100% ये मेरा देखा हुआ काम है और मैं देख के आया हूँ तभी बोल रहा हूँ यारो, क्योंकि मैं काम देखता हूँ पहले जाके कि हाँ कैसा काम है, उसके बाद बोलता हूँ कि हाँ काम कैसा है। पहला बात बोलता हूँ फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जो वैकेंसी रहता है वो हेल्पर का रहता है, और भी अनेकों वैकेंसी रहता है। तो हेल्पर के वैकेंसी में आपको करना क्या होगा, आपको 8th पास है तो भी चलिएगा, 10th पास है तो भी चलिएगा, एजुकेशन इज नॉट मैंडेटरी। तो एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, आपको चाहिए हार्ड वर्किंग। वहाँ सैलरी क्या मिलेगा, 10,000 to 11,000 प्लस रूम दे देंगे, फूडिंग खुद का रहेगा। आपको क्या करना होगा, आपको फूड खुद से बनाना होगा, या फिर वहाँ कैंटीन की भी सुविधा है जो आपको प्रोवाइड होंगे, आप खा सकते हैं वहाँ से। सैलरी आपका 10 to 11,000 रहेगा, PF ESI कट होके भी 10,000 अप्रोक्स मिल ही जाएगा। ड्यूटी टाइम की बात करें तो 12 घंटे हैं, और संडे संडे छुट्टी है वहाँ पे, और संडे छुट्टी है। अगर आप ज़्यादा दिन गुजारते हैं तो आपको बोनस भी दिया जाएगा, दीपावली का दीपावली बोनस भी मिलता है वहाँ पे। और क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं मेरे को अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, हाँ याद आया, आपको हार्ड वर्क है, वो वर्क तो हार्ड है, जो हार्ड लेबर है, जो हार्ड लेबरियस है वही जाए कृपया करके, अन्यथा कोई ना जाए। बाकी बाद में यह मत बोलना तुम लोग यारो कि ये वैकेंसी तो बोल दिए आप लेकिन अच्छा नहीं है, फंसा दिए मेरे को, फंसा दिए। कहीं भी नहीं फंसते लोग, काम हार्ड करने वाले बिहार के यूपी के लोग बहुत मेहनती होते हैं, और भी स्टेट के इतना मेहनती होते हैं, कितना भी काम कर दो उनको पता नहीं चलता। दोस्तों दूसरा वैकेंसी है बिस्किट फैक्ट्री में, उसमें पैकिंग का काम होता है, उसमें भी हार्ड वर्क है, पैकिंग का काम होता है जिसमें आपको मतलब जल्दी जल्दी करना होता है, थोड़ा पैकिंग का काम है। और भी उसमें बिस्किट फैक्ट्री में जैसे कि वो उसका सिकाई करना होता है, बिस्किट का सिकाई कर, तो बिस्कुट का सिकाई करना पड़ता है, वो बिस्कुट बनाना पड़ता है, तो आग में ही रख के बनाना पड़ता है, तो बिस्कुट का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा वैकेंसी है जैसा कि सबको इंतजार है, ऑफिस बॉय का, 10th पास रहता है, उसमें भी सैलरी अप्रोक्स 8 to 9,000, ज़्यादा नहीं मिलता है बट मिलता है, 8 to 9,000 मिलता है, हार्ड वर्किंग नहीं रहता है, वो ऑफिस से रिलेटेड वर्क है, उसमें भी रूम प्रोवाइड होते हैं और सैलरी 8 to 9,000 मिलते हैं, ड्यूटी 9 आवर्स मस्त, तो आपको सैलरी मिलता है उतना। और चौथा मेरे पास वैकेंसी है वो सुपरवाइजर से रिलेटेड है, उसमें भी सैलरी ज़्यादा नहीं रहता, फिर भी 10 to 11,000 रहता है, लेकिन आपको वहाँ पे काम एकदम नॉर्मल रहता है। आपको करना क्या वहाँ पे, सिर्फ दूसरों को ऑर्डर देना है, बस बात खत्म। उसमें भी चार्ज अप्लीकेबल है, चार्ज लास्ट में बताऊँगा कितना चार्ज लगते हैं। तो दोस्तों जो पाँचवा वैकेंसी है जिसका सबको इंतज़ार है, सभी को इंतज़ार है, वो है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड में सबसे पहले आपको सैलरी बता दूँ, सैलरी रेंज रहता है 8 to 11,000 रुपीज़ सैलरी रहता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, रूम फ्री देते हैं, फूडिंग आपका रहता है। उसके लिए आपको चाहिए 8 to 11,000, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से उसके आगे भी बढ़ सकता है, तो 8 to 11,000 सैलरी रहता है। उसके बाद क्या बोलते देखिए, 8 to 11,000 सैलरी रहता है, उसमें आपको सबसे पहले बताता चलूँ, आपका वेट 50 kg प्लस होना चाहिए, 50 kg प्लस होना चाहिए, उसमें आपको हाइट होना चाहिए, मिनिमम हाइट 155 cm होना चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना अच्छा आपका हाइट रहेगा, पर्सनालिटी रहेगा, उतनी अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड हो सकती है। तो उसके लिए आपको दिक्कत की बात नहीं है, आपको सैलरी मिलेगा और अच्छा ही जॉब मिलेगा। उसमें कुछ ज़्यादा चार्ज अप्लीकेबल है, जो कंपनी अच्छा सैलरी प्रोवाइड करते हैं वो ड्रेस चार्ज भी लेते हैं, ये जॉब रियल है, फेक नहीं है। और आपको बताता चलूँ कि अगर आप ड्रेस चार्ज नहीं देने के लिए अप्लीकेबल हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी गार्ड में मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा, मगर क्या होता है उसमें टर्म एंड कंडीशन है, आपको सैलरी 9,000 रुपीज़ ही मिलेगा। ये तो ज़रूरी बात था सो मैं बोल दिया। और दोस्तों वैकेंसी कोलकाता में आपको
आपको सभी सेक्टर में मिल सकते हैं। ये मैं कंपनी से टाइप किया हूँ, इम्प्लॉय से, 5-6 इम्प्लॉय से टाइप किया हूँ, मैं जॉब खुद देख के आया हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का कोई काम नहीं रहता, वो गेट पर खड़े रहते हैं, एंट्री करते हैं और एंट्री ही करते हैं। ये तो हो गए सिक्योरिटी गार्ड की एक्सप्रेशन, और सिक्योरिटी गार्ड में जो है रियल वो मैं बोल दिया हूँ। और जो लास्ट जॉब है एंड नेक्स्ट जॉब है वो है फैक्ट्री इंचार्ज, फैक्ट्री सुपरवाइजर। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद आपको कम से कम आप 12th पास होना चाहिए। उसमें भी दोस्तों कोलकाता में सैलरी रेंज अच्छा नहीं है, मेरे को पता है, कितनों भी हार्ड वर्कर जाए 8 से 10 हज़ार रुपये ये मायने नहीं रखता। फैक्ट्री इंचार्ज की दोस्तों सैलरी सुनकर मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया।